नमस्कार, मैं रचना शर्मा और चढ़दी कला डैम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। मैं अपने चढ़दी कला चैनल की तरफ से आप सबका स्वतंत्रता दिवस पर बधाई देती हूं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर बंटवारे की त्रासदी झेलने वालों के बलिदानों को याद कर उन्हें नमन किया। सीएम ने कहा कि इन्हीं के कारण आज हम सभी खुली हवा में सांस ले रहे हैं। आज के दिन अपनी शहादत देने वाले लोगों को याद करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। इसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सोमवार को फतेहाबाद में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि आज का दिन भारत के बंटवारे का दुखद दिन है। वर्ष 1947 में भारत की आजादी की प्रक्रिया चल रही थी, तो आज के दिन भारत माता की छाती पर लकीर खींचकर देश का विभाजन भी किया गया था। हमें आजादी तो मिली, लेकिन इस आजादी की हमें भारी कीमत चुकानी पड़ी। आज का दिन हमें बंटवारे के कारण जान गंवाने वाले अपने पूर्वजों की याद तो दिलाता ही है, साथ ही हमें भाईचारे का संदेश भी देता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि विभाजन में भारत माता के दो टुकड़े हुए, इस त्रासदी को भुलाया नहीं जा सकता, लेकिन पूर्व की सरकारों ने कभी इस ओर ध्यान नहीं दिया और न ही हमारे पूर्वजों को याद किया। वह विभाजन ऐसी त्रासदी है जिस पर आजादी के बाद का लगभग आधा साहित्य भरा पड़ा है। उस पीड़ा से आहत होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के बंटवारे को 20वीं शताब्दी की सबसे बड़ी त्रासदी कहा और 15 अगस्त 2021 को स्वतंत्रता दिवस पर आजादी के अमृत महोत्सव का शुभारंभ करते हुए इस विभाजन में अपनी जान गंवाने वाले लोगों की याद में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाने की घोषणा की थी। उस समय प्रधानमंत्री ने कहा था कि विभाजन की पीड़ा को कभी भुलाया नहीं जा सकता। वैश्विक नफरत और हिंसा के कारण हमारी लाखों बहनें और भाई दर बदर हो गए और तमाम लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। ऐसे लोगों की शहादत को याद करने के लिए स्मारक बनाए जाएंगे और उनकी शहादत को याद किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि 2,80,00,000 जनता के आशीर्वाद से उन्हें प्रदेश की सेवा का मौका मिला है और प्रदेश का हर व्यक्ति मेरे परिवार का हिस्सा है। राज्य सरकार ने PPP की योजना बनाकर पात्र लाभार्थी तक सरकार की योजना पहुंचाई। आज PPP के जरिए घर बैठे लोगों की पेंशन बनी है। उन्होंने कहा कि हरियाणा एक हरियाणवी एक के नारे के साथ सरकार काम कर रही है और स्वार्थ की बजाय परमार्थ की भावना से प्रदेश की सेवा करना हमारा लक्ष्य है। हम बिना भेदभाव के पूरे समाज को एक साथ लेकर आगे बढ़ेंगे। उन्होंने कहा कि विभाजन की घटना कोई सामान्य घटना नहीं थी। रामायण से लेकर महाभारत तक हमारी संस्कृति में कई ऐतिहासिक घटनाएं हुई हैं। इन घटनाओं में विशेष बात यह थी कि इन सब में धर्म की जीत हुई। विभाजन में भी धर्म की रक्षा के लिए हमारे पूर्वजों ने अपना बलिदान दिया। उन्होंने कहा कि मैं स्वयं उसी परिवार से हूं, इसलिए उस दर्द को भली भांति जानता हूं। सीएम ने कहा कि वास्तव में वह बंटवारा हमारे देश की भौगोलिक सीमा का बंटवारा नहीं, बल्कि लोगों के दिलों और भावनाओं का भी बंटवारा था। आज का यह दिन बहुत ही एक विशेष दिन, इसके को मैं संज्ञा दूंगा। 14 अगस्त देश के प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त 2021 के दिन लाल किला के प्राचीर से इस विषय की याद सारे देश को दुनिया को कराई थी। जब से देश आजाद हुआ है उस समय से लेकर के और अभी तक की सरकारें 1921 से पहले तक इस समय केवल जश्न तो मनाते थे। 15 अगस्त का दिन जश्न का दिन है भी सही, आजादी हमको मिली है, गुलामी को दूर करके आजादी प्राप्त करने के लिए बहुत ही बड़ी संख्या में हजारों लाखों लोगों ने एक सपना लिया था, बहुत लोगों ने कुर्बानियां दी, शहीद हुए, जिसके कारण से आजादी की आज खुली हवा में हम सांस ले रहे हैं। लेकिन भाइयों बहनों, वही एक सत्य, ये दूसरा भी एक कटु सत्य है कि आजादी की बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी थी। अब वो कीमत शहीदों की शहादत की हो तो सब उसको याद करते हैं, आज भी करते हैं, पहले भी करते थे, लेकिन एक जो कीमत चुकाई गई जिसको याद करना पूर्व की सरकारों ने कभी ध्यान नहीं दिया, जिसका नरेंद्र मोदी जी ने सार्वजनिक तौर पर उल्लेख किया, और वो था कि आजादी से पहले हमारे देश का विभाजन हुआ। अगर और पीड़ादायक तरीके से मैं कहना चाहूं तो भारत मां के शरीर के अंगों को काट दिया गया, दो अंग काट दिए, एक पूर्वी पाकिस्तान कहलाया, दूसरा पश्चिमी पाकिस्तान कहलाया। ये पीड़ा 14 अगस्त की रात्रि को
हम लोगों ने सही है, देखी है, भोगी है। और इस पीड़ा को याद करना बहुत जरूरी है, कई कारण है याद करने के। एक विषय तो बड़ा यह है कि वो विभाजन भूला तो नहीं जा सकता, लेकिन एक संकल्प तो इस कहानी को याद करके हम ये ले सकते हैं कि अब इस देश की आजादी को कोई और खंडित न करे, दोबारा से भविष्य में कभी एक इंच भूमि भी हमारे देश की अलग न हो जाए, ये संकल्प आज के दिन हमको लेना है, ये संकल्प लेना है। भाइयों बहनों, ये कहानी उन लाखों शहादतों के खून के साथ लिखी गई है। जब विभाजन हुआ तो पता नहीं कितने लाख लोग जो वहां से उस अपने घर को छोड़ करके भारत माता की गोद में आने के लिए तैयार हुए और चले। समाज की सुरक्षा के लिए भी बहुत लोगों ने वहां रास्ते में संघर्ष किया, अपनी शहादतें दे दी। उनके खून से लिखी हुई ये कहानी है। बहुत से लोगों ने उस बंजर को देखा, देखते देखते वहां से चल करके भारत माता की गोद में आने का उनका अवसर मिला। उन्होंने अपनी आंखों से देखा, रोए, उनके आंसुओं से लिखी हुई ये कहानी है। इस कहानी को देखने वालों का, उनके मन में कितना बवाल था वो उन्हीं युवाओं को पता होगा, या आज हमारे सामने जो लोग बैठे हैं जिन्होंने अपनी दादी नानी से कहानियां सुनी होंगी, क्योंकि घटना को 76 साल हो गए हैं। 76 साल की घटना में अगर कोई 10-12 साल का बालक रहा होगा, उसने तो अपनी आंखों से देखी होंगी, उसी में से आभास हुआ होगा कि क्या वो पीड़ादायक, क्या वो दृश्य था कत्लेआम का। गाड़ियां चली मुसाफरों की और रास्ते में गर्दनें उतार दी गई धड़ से, बहु बेटियों की इज्जत लूटने का डर हो गया तो माता पिता ने अपनी जवान बेटियों की गर्दन अपने हाथ से उतार दी इज्जत बचाने के लिए। अब ये संख्या कितनी थी बड़ा विवाद बना हुआ है। कोई इसको 3 लाख कहता, कोई 5 लाख कहता, कोई 10 लाख कहता, कोई 15 लाख कहता है। इतने लाखों लोगों की शहादत के बाद हम जो लोग आज यहां बैठे हैं उसी बदौलत, उसी कीमत को चुका करके यहां बैठे हैं। तो आज हमारा फर्ज है ऐसे शहीदों की शहादत को, उनका स्मारक बना करके हमेशा हमेशा याद रखा जाए। और मैं आभारी हूं स्वामी धर्मदेव जी का, मैं आभारी हूं सुभाष सुधा जी का, मैं आभारी हूं पंचनद स्मारक ट्रस्ट का, जिन्होंने सबने मिल करके इस आवाज को पिछले 15 वर्ष से अपने दिमाग में, दिल में बैठाया हुआ है, उसी विचार को, और इसको पूरा करने के लिए उन्होंने एक संकल्प लिया हुआ है। अब यह संकल्प मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि वो जरूर पूरा होगा, जरूर पूरा होगा, बीच में नहीं रहेगा। और प्रधानमंत्री जी ने जो बात लाल किला से 15 अगस्त 2021 को बोली थी उसको मैं दोहरा रहा हूं, उसको पूरा करने के लिए भी आवश्यक है। विभाजन की पीड़ा को कभी भुलाया नहीं जा सकता, वैसी नफरत और हिंसा के कारण हमारी लाखों बहनें और भाई दर बदर हो गए और तमाम लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। ऐसे शहीदों की याद में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस 14 अगस्त को याद किया जाए और उनकी यादगार में स्मारक बनाए जाएं जगह जगह। फिलहाल हरियाणा के विशेष समाचारों में इतना ही, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।